एंकर का नाम सुनकर के आपके मन में स्विचेस, बल्ब, फैन या वायर्स का नाम जरूर आ रहा होगा। एंकर कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट्स आपके घर में यूज जरूर होता होगा। एंकर कंपनी की शुरुआत 1963 में गुजराती बिजनेसमैन धामजी बाई ने 500 रुपए का लोन लेके की थी। आज एंकर के पास इंडिया का 50% से भी ज्यादा मार्केट शेयर है और कंपनी इंडिया में 100 से भी ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है एंड पूरे वर्ल्ड में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे 500 रुपए से स्टार्ट हुआ था ये ब्रांड, हर साल 5000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1939 में गुजरात के कच्छ में एक मिडिल क्लास फैमिली में धामजी बाई का जन्म हुआ। धामजी बाई के पिता लालजी बाई कच्छ में मनी लेंडिंग बिजनेस में थे। जब धामजी 6 साल के थे तो उनकी पूरी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई थी। धामजी बाई को बचपन से ही डॉक्टर बनने का शौक था। उनकी हायर स्टडीज कंप्लीट करने के बाद धामजी बाई ने मेडिकल में एडमिशन लिया। वो पूरे दिन अपने स्टडीज करते थे और शाम को अपने पापा के दुकान में हेल्प करने जाते थे। धामजी बाई को बिजनेस में धीरे धीरे काफी इंटरेस्ट बढ़ गया था। उन्होंने कई बार सोचा था कि वो पढ़ाई छोड़कर कोई बिजनेस स्टार्ट कर दे, लेकिन उनकी पढ़ाई में बहुत सारा पैसा लग गया था और बिजनेस की प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण उन्हें ये स्टेप काफी रिस्की लगा। तो उन्होंने ये डिसीजन को इग्नोर करते हुए अपने मेडिकल की पढ़ाई कंटिन्यू रखी। लेकिन कुछ टाइम बाद धामजी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था। हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उन्हें ट्रीटमेंट के लिए हैदराबाद लेके जाना पड़ा। धामजी को हैदराबाद में 1.5 महीने के लिए एडमिट किया गया। इसी बीच धामजी और उनके भाई यादव जी ने डिसाइड किया कि वो अपने स्टडीज को छोड़ करके खुद का कोई नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। इस कंपनी में दोनों भाई प्लास्टिक के मोल्ड बनाते थे, लेकिन केबी इंडस्ट्रीज ज्यादा दिन चल नहीं पाई और सिर्फ 3 महीने के अंदर बिजनेस में बहुत सारा लॉस हो गया। लॉस इतना बढ़ गया था कि दोनों भाई अपने वर्कर्स की पेमेंट भी नहीं कर पा रहे थे एंड 1 साल के अंदर केबी इंडस्ट्रीज हमेशा के लिए बंद हो गया। बिजनेस बंद होने की वजह से धामजी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था और उनके अंकल ने भी उन्हें फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट देने से मना कर दिया। कुछ टाइम बाद धामजी ने फिर से एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। उस टाइम इंडिया में इटालियन स्विचेस की बहुत ज्यादा डिमांड थी। 80% से ज्यादा स्विचेस इंडिया में इम्पोर्ट किए जा रहे थे एंड यही चीज को देखते हुए धामजी ने स्विचेस बनाना स्टार्ट कर दिया और वहीं से शुरुआत होती है इंडिया के सबसे बड़े स्विच मेकर एंकर इलेक्ट्रिकल्स की। अपने शुरुआत के दिनों में धामजी भाई स्विचेस बनाकर होलसेलर को बेच के पैसे कमाते थे। कुछ दिनों के बाद धामजी अपने रेगुलर कस्टमर रसिक भाई से मिले। रसिक भाई उस टाइम धामजी के सबसे बड़े कस्टमर थे। रसिक भाई ने धामजी को बोला था कि नेक्स्ट टाइम वो जब भी स्विचेस भेजे तो उसमें कोई ब्रांडिंग करके भेजे। तो धामजी ने जगमग नाम स्विचेस में प्रिंट करके स्विचेस भेज दिए और सिर्फ 1 महीने के अंदर रसिक भाई के स्विचेस की सेल 2 गुना बढ़ गई थी। तो यहाँ से धामजी को आइडिया आया कि मार्केट में स्विच के मैन्युफैक्चरर तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है। उसके बाद धामजी ने अपनी कंपनी को रजिस्टर करा दिया एंकर इलेक्ट्रिकल के नाम से। एंकर ने स्टार्टिंग से ही अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट रखने की कोशिश करी है। जहाँ एक तरफ सारे स्विच मेकर एवरेज सा प्रोडक्ट बना रहे थे, वहीं धामजी भाई ने अपने ब्रांड को हाईलाइट करने के लिए पियानो स्विच मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। बाकी स्विच के मुकाबले इन स्विचेस की क्वालिटी भी बढ़िया थी और प्राइस भी रिजनेबल था और बहुत कम समय में लोगों को ये स्विच काफी पसंद आ रहा था और धामजी भाई की सेल भी काफी जल्दी ग्रो हो रही थी। एक सक्सेसफुल ब्रांड बनाने के लिए धामजी भाई का टारगेट था कि उनके स्विचेस इंडिया के हर घर में पहुंचे। धामजी भाई को पता था कि उनका सेल्स को ग्रो करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स काफी इंपॉर्टेंट है। धामजी भाई इंडिया के हर छोटे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से मिले और सबसे उनकी प्रॉब्लम्स पूछी। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बताया कि आपका ब्रांड काफी बढ़िया है और सेल्स भी अच्छी है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए प्रॉफिट काफी कम है। तो फिर धामजी भाई ने डिसाइड किया कि वो अपना प्रॉफिट कम करेंगे और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए प्रॉफिट बढ़ा देंगे और ऐसे करते करते 3 साल के अंदर एंकर इलेक्ट्रिकल्स की सेल 1.5 करोड़ तक पहुँच गई थी एंड 2001 तक कंपनी का एनुअल टर्नओवर 1100 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच गया था। और उसके बाद धामजी ने और नए नए प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया, जैसे वायर, लाइट और फैन। और 2007 में जापानीज कंपनी पैनासोनिक ने एंकर को 2000 करोड़ में खरीद लिया था। तो ये थी एंकर की बिजनेस की स्टडी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। He's gone now, the night has come by. Sometimes all I think about is you. Late nights in the building.